श्री राम कथा समिति द्वारा हुडको दशहरा मैदान में 7 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम ज्ञानीदास जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से राम कथा का सुंदर वर्णन किया। उनके मुखारबिंद से निकल रहे भक्ति रस को सुनने के लिए भक्तजन उत्सुक दिखाई पड़े। दशहरा मैदान में चल रही राम कथा के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की अपार भीड़ नजर आई। राम कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। कथा सुनने के लिए भारी संख्या में महिला श्रद्धालुओं की उपस्थिति दर्ज की गई। बोलता हूं, आप कथा में बैठे ये जरूरी है। आप कथा में बैठे ये जरूरी है, लेकिन मेरा निवेदन, कथा भी आपके अंदर बैठनी चाहिए, तब कथा का सार्थकता होगा। महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज सत्संग का ये दूसरा दिवस, इसमें उपस्थित हमारे परम श्रद्धेय आचार्य श्री मुंशी जी परोक्ष हुडको में जो प्रथम बार जो श्री राम कथा सेवा समिति का निर्माण हम 9 साथियों के द्वारा किया गया, और इसका जो है धर्म के प्रति जागरूकता लाना, हिंदू धर्म के प्रति, और सभी लोगों के मन में रहता है हिंदुओं के जो भी पूजा पाठ श्री राम जी का, लेकिन हुडको बने 40 वर्षों में कभी भी श्री राम कथा नहीं हो पाया आयोजन, और हम लोगों ने सोचा कि इसका आयोजन करते हैं, और ईश्वर की दया से हमें रास्ता मिलते चले गया, और हमारे हुडको के सभी वासियों ने बहुत सहयोग प्रदान किया। ये कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी राजनीतिक मंच नहीं है, इसमें सभी वर्ग के लोग यहाँ पर शामिल हैं, और हिंदू मुस्लिम सभी भाई लोग हमारे साथ दिए हैं, और बहुत ही सुंदर आयोजन हो रहा है। और कथावाचक कौन है? कथावाचक हमारे महाराष्ट्र के श्री राम ज्ञानीदास महाराज जी हैं, जो अयोध्या के रामलला के उद्घाटन समारोह में भी ये पहुँचे हुए थे प्रथम पंक्ति में, वहाँ के संत हैं, और हमारा सौभाग्य है ऐसे पहुँचे हुए संत का हमारे हुडको वासियों को सुनने का अवसर मिल रहा है और उनका आशीर्वाद। जैसा कि पहला वर्ष है, हुडको वासी क्या कैसा प्रतिक्रिया है उनकी? सभी इतने बेहद प्रसन्न है। मैं संस्था का प्रवक्ता हूँ, इस माध्यम से मैं बोलूँगा तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन जिन भाई बहने और हमारी भाभी लोग माता लोग आए, और 40 वर्षों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कलश यात्रा में आप भी कवरेज किए थे मैडम, कलश यात्रा जो है ऐतिहासिक रहा, लगभग 800 से 1000 लोगों की उपस्थिति हमारी बहनों की हमारी भाभियों की रही, जिससे हुडको में एक अलग एक उत्साहवर्धक माहौल बन चुका है। आज ये भीड़, सैकड़ों लोगों की भीड़ राम कथा में बैठी है। कल विजय बघेल जी आए थे, उन्होंने भी कहा बहुत ही सुंदर सुसज्जित और बहुत ही बढ़िया कथा यहाँ पर चल रही है, आप सभी लोग बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आपका परिचय? मैं VS राव हुडको का निवासी हूं, और मैं इस समिति का प्रवक्ता हूं। आप सबका जुड़िए बनाना। और एक खास बात क्या है, यहाँ हमारे जो हम लोग सारे उसके मेंबर्स हैं, ये सेक्रेटरी है, ये जनरल सेक्रेटरी है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे, और भव्य रामनवमी जो हमारा भव्य होता है, बहुत जबरदस्त होता है कि नहीं? और